आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के गांव जलालपुर कमालपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से इसकी दूरी 10 किलोमीटर है। 2500 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की जिम्मेदारी श्रीमती सर्वेश देवी संभाले हुए हैं। बताते चलें कि इन्होंने इस गांव में अच्छे कार्य व अच्छा विकास कराया है, इसीलिए इन्हें रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी भी क्या समस्याएं गांव में बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक बिलारी के जलालपुर खालसा गांव में। यहां काफी विकास प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान पति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ प्रधान आपकी पत्नी है जी, जी। तो पंचायत का कार्य जो है वो आप ही देखते हैं। 4 साल लगभग इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक करवा दिए गाँव में? रास्ते कराए हैं, आवास बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। कितने आवास मिल रहे हैं? आवास 9 आवास बनवाए हैं। शौचालय कितने शौचालय शौचालय 285 शौचालय बना चुके हैं। रास्ते में सीसी कार्य या पूरा पक्का जो आपने सड़क निर्माण कराया है? सीसी टाइल्स। कितना मीटर लगभग लगवाया वो बनवा जी? कम 500 मीटर मतलब किलोमीटर के आसपास। डस्टबिन वगैरह लगाए गाँव में? डस्टबिन भी लगवाए थे, सोलर लाइट भी लगाई है। सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ गांव में सभी को मिल पाया है? हाँ सर, कुछ जो है 80% सभी को मिल चुका है। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा कितना परसेंट लोगों का है? 90% आ चुका है। 90% लोगों का आ चुका है। किसानों को बीमा मिल रहा है? बीमा भी मिल गया। बीजों पर सब्सिडी मिल रही है? हाँ सब्सिडी भी आ रही है। पेंशन वगैरह मिल रही है आप लोगों को सब तरह की? हाँ पेंशन भी सभी चल रही है सर। स्कूल पर क्या क्या कार्य करवाए हैं? स्कूल पर टंकी फिटिंग, टाइल्स और शौचालय में टाइल्स, स्कूल में प्रांगण में टाइल्स लगवाई है। स्कूल में इतना सौंदर्यकरण करवाने के बाद क्या आपने कुछ बदलाव देखा है आपके कार्यकाल से पहले से और अब के बीच? पहले से काफ़ी बदलाव। छात्रों की संख्या बढ़ी है? छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? सफाई भी सही है, डेली सफाई होती है। सफाई कर्मी आता है? हाँ तीनों गाँव में सफाई कर्मचारी। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? मांग तो कर रखी है, डिमांड उठेरी कर रखी है। अब खेल का मैदान नहीं है, उसका काम शुरू होने वाला है। बारात घर भी नहीं है। पंचायत घर भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है। अस्पताल भी नहीं है। कितनी आबादी का ये गाँव है आपकी? आबादी कुछ कम जो है 5000 है तीनों गाँव में। 5000 की आबादी में अस्पताल को लेकर आपने कभी कोई मांग की है? मांग तो कर रखी है। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? करीबन 4 किलोमीटर। इसके अलावा और कोई समस्या गांव में ऐसी आपको मतलब नजर आती है, कोई और समस्या मुख्य ऐसी है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खासतौर से इस ग्राम पंचायत में ध्यान दें? मतलब पैसे तो कोई खास समस्या ना है हमारे यहाँ। रास्ते सभी पक्के हो गए? रास्ते होने वाले हैं, कुछ रह रहे हैं वो आपको हो जाएंगे। कितने गरीब लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवास अभी तक नहीं मिले और जो मानक पात्र हैं जिन्हें मिलने चाहिए, कच्चे मकान हैं? 25-30 जो डिमांड भेज रखी है। जैसा कि आपने देखा प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलवाए हैं, शौचालय से भी ये गांव ODF हो चुका है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी यहां बाकी है, जैसे कि बारात घर और पंचायत घर को लेकर प्रधान यहां मांग करते हैं और लगभग 30 गरीब पात्र यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24।